वहाँ पर केली टेंट के पास खड़ी होती है और वो इंतज़ार कर रही होती है कि कब गुल्ली उसके पास से गुजरे ताकि वो उसे ढप्पा बोलकर वापस से चोर कर सके। लेकिन इस जंगल में जो खूनी खेल चल रहा है वो उस बात से अनजान होती है और उसे ये बात नहीं पता है कि उस खूनी खेल का अगला शिकार वो खुद होने वाली है। तभी केली कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसने उसी चुड़ैल को देख लिया है और अब मरने की बारी केली की ही है। उसे लगता है कि उसके दोस्त जरूर उसे डरा रहे होंगे, इसलिए वो उस चुड़ैल के पास बढ़ने लगती है। लेकिन उसे ये बात नहीं पता है कि वो धीरे धीरे अपने मौत के पास बढ़ रही है। यहाँ पर बुल्ली छुप के देख रहा होता है कि आखिर केली कहाँ जा रही है। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो केली का पेट ही चीर दिया जिससे केली भी नीचे गिरकर मारी जाती है। और बुल्ली ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और अब मरने की बारी बुल्ली की है। अपने आंखों के सामने केली को मरता हुआ देखकर बुल्ली बहुत ही घबरा जाता है और वो तुरंत उठकर वहाँ से भागने लगता है कि तभी अचानक से उसके सामने गुल्ली आ जाता है और अब गुल्ली बुल्ली को मारने वाला है। और फिर गुल्ली बुल्ली से पूछता है, गुल्ली आखिर तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुमने केली को क्यों मारा? मुझे लग रहा है कि तुम अपने होश में नहीं हो। मैं तुम्हारा दोस्त बुल्ली हूँ और तुम अपने दोस्तों को ही मारने के पीछे पड़े हुए हो। अभी मुच्छड़ सुन, मैं कोई तेरा दोस्त नहीं हूँ और तू जिस दोस्त की बात कर रहा है वो तो कब का मर चुका है और ये जो तेरे सामने खड़ा है ये उसी की आत्मा है जो कि अब इस जंगल में रहने वाली चुड़ैल का साथ दे रही है और हम दोनों मिलकर तुम सभी लोगों को खत्म कर देंगे। ये बोलकर गुल्ली तुरंत बुल्ली के ऊपर हमला करता है और गुल्ली अब काफी ताकतवर हो गया है, इसीलिए उसके एक हमले से बुल्ली सीधा जाके चुड़ैल के पैरों के पास गिरता है। और खड़ा होने के बाद जैसे ही बुल्ली उस चुड़ैल को अपने सामने देखता है तो वो बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि वो चुड़ैल देखने में काफ़ी भयानक लग रही थी। और उसे देखकर बुल्ली तुरंत वहाँ से भागने लगता है और गुल्ली भी उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो चुड़ैल उसे रोक देती है। बुल्ली ने इस सच्चाई को मान लिया है कि अब गुल्ली मारा गया है, इसीलिए उसे सोन को लेकर यहाँ से निकलना होगा। और गुल्ली दौड़ रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आ जाता है जिससे टकरा कर वो नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या, ये तो जोश की लाश है और जोश को उस चुड़ैल ने उसी वक्त मार दिया था जब जंगलों में जोश टॉयलेट करने के लिए गया था। और जोश की लाश देखकर बुल्ली बहुत ही घबरा जाता है और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अरे बाप रे, ये तो जोश की आत्मा है जो कि बुल्ली के पीछे आकर खड़ी हो गई है। और तभी उसका सर जाकर बुल्ली के चेहरे पर गिरता है और इन सभी से बुल्ली काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो उठकर वहाँ से भी भागने लगता है। लगता है कि आज ये सभी लोग मिलकर बुल्ली को हार्ट अटैक देकर ही मार डालेंगे। और भागते भागते बुल्ली आखिरकार जंगल से बाहर आ ही जाता है, लेकिन बुल्ली अभी भी बहुत डरा हुआ होता है। पर तभी अचानक से उसके सामने सोन आ जाता है और सोन बुल्ली से बोलता है, बुल्ली आखिर तुम इतने घबराए हुए कहाँ भाग रहे हो? क्या तुम्हें छुपना नहीं है या फिर कहीं तुम पकड़े तो नहीं ना गए? जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे सोन मैं भला तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है गुल्ली को इस जंगल में रहने वाली चुड़ैल ने मार डाला है
और अब गुल्ली की आत्मा उस चुड़ैल के वश में हो गई है और इस लुका छुपी के गेम में गुल्ली सबको ढूंढ कर उन्हें मार रहा है और मैंने अपने आंखों के सामने उसे केली को मारते हुए देखा है। सॉन, हम दोनों को यहाँ से बचकर भागना होगा क्योंकि बाकी सभी लोग मर गए हैं और अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे। जिस पर सॉन बोलता है, बुल्ली वो सब तो ठीक है लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्या है? और सॉन की बातें सुनकर बुल्ली जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है और उसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो पाता है कि वहाँ पर सॉन है ही नहीं। पर आखिर बुल्ली ने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर वो इतना घबरा गया? अरे बाप रे, ये तो सॉन की कटी हुई लाश है। बुल्ली को तो ये पता ही नहीं है लेकिन सॉन सबसे पहले मरा था। और तभी अचानक से सॉन की लाश खड़ी होने लगती है। लगता है अब बुल्ली का बचना नामुमकिन है और बुल्ली जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो सॉन की लाश को खड़ा हुआ देखकर बहुत ही घबरा जाता है और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है कि तभी वहां पर चुड़ैल भी आ जाती है उसके बाद वो चुड़ैल बुल्ली को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। अब तो बुल्ली का बचना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि उसके सामने सॉन की आत्मा है और पीछे वही चुड़ैल है और ये सब कम नहीं था कि तभी वहां पर गुल्ली और जोश की आत्माएं भी आ जाती है। और बुल्ली धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और अब वो चारों तरफ से घिर चुका है। लगता है अब ये लोग इसे मार डालेंगे। बुल्ली खड़ा होने के बाद इन सभी से प्रार्थना करने लगता है और बोलता है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ। बुल्ली, सॉन और जोश, तुम तीनों मुझे पहचानने की कोशिश करो। अरे ये क्या, ये तो बुल्ली सपना देख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ बुल्ली का एक सपना था। और बुल्ली की आवाज़ सुनकर गुल्ली वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, गुल्ली आखिर तुम्हें क्या हुआ है, आखिर तुम ऐसे चीख क्यों रहे हो? और गुल्ली की आवाज़ सुनकर बुल्ली की नींद खुल जाती है और अब बुल्ली को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। उसके बाद बुल्ली धीरे धीरे उठने लगता है और गुल्ली पूछता है, बुल्ली आखिर तुम किससे बच रहे थे, आखिर तुम्हें कौन मार रहा था? जिस पर बुल्ली बोलता है, अरे गुल्ली मत पूछो, मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा, ये तो अच्छा हुआ कि ये सिर्फ मेरा एक सपना था। और तभी वहाँ पर सॉन आता है और वो बोलता है, गुल्ली बुल्ली अभी तक तो जोश और उसके दोस्त आए नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो लोग अभी नहीं आएंगे, इसलिए मैं जरा जा रहा हूँ जंगल घूमने के लिए और तुम लोग तब तक खाना बनाओ। जिस पर गुल्ली बोलता है, ठीक है सॉन, तुम जंगल घूम के आओ लेकिन याद रखना सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। और गुल्ली की ये बात सुनकर बुल्ली बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि उसने सपने में भी कुछ ऐसा ही देखा था। सॉन रहने दो, तुम कहीं मत जाओ, मुझे लग रहा है कि अब जोश और उसके दोस्त यहाँ पर नहीं आएंगे, इसलिए चलो हम लोग किसी वाटर पार्क में जाकर वहाँ पर मजे करते हैं, वैसे भी यहाँ पर हम लोगों को उतना मजा नहीं आएगा जितना वहाँ पर आएगा। और पैसे की तुम लोग चिंता मत करना क्योंकि सारे पैसे मैं दूंगा। और बाहर निकलने के बाद हम लोग जोश को भी फोन लगा देंगे और जोश को भी वहीं पर बुला देंगे। ये बात सुनकर तो सॉन बहुत ही खुश हो जाता है लेकिन गुल्ली बोलता है, बुल्ली आखिरकार तुम्हारा अचानक से प्लान क्यों बदल गया, आखिर तुम अचानक से यहाँ से जाने की बातें क्यों कर रहे हो? जिस पर सॉन बोलता है, गुल्ली तुम बहुत ही अजीब हो, तुम चुपचाप सिर्फ आम क्यों नहीं खाते हो, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? और सॉन की ये बात सुनकर बुल्ली और गुल्ली दोनों ही हंसने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों जीप लेकर यहाँ से चले जाते हैं। बुल्ली ने जो सपना देखा था वो सच हो सकता था अगर वो तीनों यहीं पर रुक जाते क्योंकि ये जंगल सच्ची में एक भूतिया जंगल है। लेकिन सही समय पर गुल्ली बुल्ली और सॉन यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।